सब कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं होती है या सब्जी खाने का मन नहीं करता। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये दही वाले बहुत ही चटपटे आलू की रेसिपी, जिसे आप फटाफट से मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। दही वाले आलू बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिए 5-6 छोटे छोटे उबले आलू। मेरे पास ये छोटे साइज के आलू थे तो मैंने ये 5-6 ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हों तो 4 सफिशियंट हैं। अब हम इन्हें कर लेंगे कट। इन्हें आपको ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है, बस एक आलू के आप 4 पार्ट ही कीजिए। देखिए इस तरीके से, देखिए मैंने इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इन्हें कर लेते हैं हल्का सा रोस्ट। ऐसा करने से हमारी सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन ये टोटली आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं और चाहे तो रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने गैस पर एक पैन को रख लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बस इतना कि जिससे आपके जो आलू हैं वो पैन में चिपके ना। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आप इसमें डाल दें आलू और ऊपर से डाल दें हल्का सा नमक। नमक डालने से क्या होगा, हमारे जो आलू हैं वो फीके नहीं रहेंगे, नहीं तो कई बार आलू अंदर से बिल्कुल फीके रह जाते हैं। और अब आप इन्हें बीच बीच में पलटते हुए चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लें। नमक डालकर हल्के से टॉस करें जिससे सारा नमक चारों तरफ आलू में लग जाए। नमक डालने से ये रोस्ट भी जल्दी होंगे और बहुत अच्छा टेस्ट भी रहेगा। देखिए करीब 3-4 मिनट हो गए हैं और हमारे आलू काफ़ी अच्छे से चारों तरफ से रोस्ट हो चुके हैं। अब आप इन्हें निकाल लें। चलिए अब दही को भी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए ले लिया मैंने एक बाउल और ये ले रही हूँ मैं 1 बड़ी कटोरी फ्रेश दही। ये मैंने घर वाली ही दही ली है। पहले आप इसे थोड़ा फेंट लें जिससे ये एकदम इसका स्मूथ टेक्सचर आ जाए दही का। अब इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच काला नमक। काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और ये 1 छोटा चम्मच लिया मैंने कश्मीरी मिर्ची का पाउडर। लेकिन अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची ना हो तो आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं। बस इससे सब्जी का कलर थोड़ा अच्छा आता है और ये थोड़ी तीखी भी कम रहती है। और अब इन सारे मसालों को डालकर भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए हमारी दही का मिक्स भी तैयार है। चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने वापस से उसी पैन को गैस पर रख लिया है क्योंकि हम ज़्यादा बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 से 2 चम्मच ऑयल या जैसा भी ऑयल आप सब्जी में पसंद करते हैं। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है सबसे पहले डाल दें 1/4 छोटा चम्मच हींग और 1/2 छोटे चम्मच जीरा। जीरे के तड़कते ही डाल दें 2 बारीक कटी हरी मिर्ची और ये मैंने ले लिए कुछ अदरक जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अब इसमें आप ऐड कर दें 2 सूखी लाल मिर्चें, बहुत अच्छी लगती हैं ये सब्जी में। और अब इसमें डाल दें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और अब इसे प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक भून लें। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है आपको, बस अच्छे से गुलाबी कलर इसका आ जाए। और इसी समय हल्का सा नमक डाल दें। नमक डालने से क्या होगा, जो हमारी प्याज है वो काफ़ी जल्दी भूनकर रेडी हो जाती है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है दोस्तों। जब आपके पास कोई सब्जी अवेलेबल ना हो तो आप फटाफट से इस सब्जी को बना सकते हैं। देखिए हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब आप इसमें डाल दें दही, जो हमने मसाले मिक्स करके दही रखा था। और दही डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाएं, चलाना बिल्कुल ना छोड़ें जब तक कि इसमें उबाला ना आ जाए, वरना आपका दही फट जाएगा। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। सब्जी में ऑयल दोस्तों आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग बहुत कम ऑयल खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, तो ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। देखिए हमारी दही में उबाला आ गया है, बस अब आप इसे चलाना छोड़ सकते हैं। अब आप इसे करीब 3 से 4 मिनट पकने दें जब तक हमारी दही अच्छे से पक ना जाए। देखिए दोस्तों करीब 3-4 मिनट हो गए हैं। हमने इसे हाई फ्लेम पर ही रखा था और हमारा मसाला जो है दही वाला काफ़ी अच्छे से पक चुका है। बस अब आप इसमें डाल दें रोस्ट किए हुए आलू, अच्छे से पहले मिक्स कर लें। और अब इसमें आप जैसी भी ग्रेवी पसंद करते हैं वैसे पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी।
अब इसमें आप डाल दें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी का, ये रोस्टेड कसूरी मेथी थी जिसे मैंने हल्का सा क्रश करके रखा था, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप 2 या 3 मिनट इन्हें पकने दें, जिससे जो पूरे मसालों का फ्लेवर है वो हमारी आलू के अंदर आ जाए। हमेशा दही वाली सब्जियों में दोस्तों आलू या कोई भी सब्जी को हमेशा पहले बॉईल करके पका कर ही डालें, क्योंकि खट्टी चीज़ों में सब्जियां पकती नहीं हैं। बस अब आप इसे 2-3 मिनट पकने दें। जी दोस्तों 2-3 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को पकते हुए, आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और ऊपर से डाल दें इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमारे दही के आलू सर्व के लिए तैयार हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं सब्जी को। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो लीजिए दोस्तों हमारी ये टेस्टी सी सब्जी सर्व के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये सब्जी बनाने का तरीका यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए फटाफट से टेस्टी आलू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।